जही बच्चों, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं और कॉल आ रहे हैं। सर मैं किसी तरह गांव से बिलोंग करता था, किसी तरह मेरे पापा ने कर्जा लेके मुझे कोटा भेजा, मेरे अच्छे स्कोर भी आए, 650 स्कोर भी आए, लेकिन सर 650 स्कोर होने के बावजूद मेरी रैंक 25,000 आ रही है, तो सर मुझे कोई कॉलेज ही नहीं मिल सकता है। तो ऐसे बच्चे बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है, पूरी संभवता कोशिश है कि आपका नीट का एग्जाम फिर से करवाया जाएगा, क्योंकि ये एक तरह का बहुत बड़ा स्कैम है। ये भारत देश में होने वाला एक बहुत बड़ा स्कैम है, क्योंकि आप देख सकते हो कोई बच्ची है हरियाणा की विशाखा, हाँ हो सकता है इसकी गलती भी ना हो, लेकिन जो NTA जो रिजल्ट घोषित कर रहा है हम उसी में बात करेंगे। विशाखा उसके मार्क्स 719 है, वही एक बच्चा है हरियाणा का, यस दोनों हरियाणा के ही है, इसके मार्क्स 718 है। ये पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है, क्योंकि या तो 716 हो सकते हैं, या तो 715 हो सकते हैं, या फिर 720 हो सकते हैं, किसी के मार्क्स 718 719 हो ही नहीं सकते हैं। इसी तरह हमने जब रिजल्ट को देखा, जब वेबसाइट में जाके देखा, 1 से 7 तक की जो लिस्ट है वो एक ही सेंकल के है, 1 से 7 तक जो फर्स्ट रैंक आ रही है वो एक ही सेंकल के है, और सबके जो है मार्क्स जो है बराबर के हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्कैम तो हुआ ही हुआ है। अब जवाबदेही बनती है, क्योंकि ये लाखों बच्चों से है, 25 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, और किस तरह से उनके मार्क्स, किस तरह से उन पैसे जुटा के कोचिंग वालों को देते हैं, बच्चे अपना दिन रात एक कर लेते हैं 4 साल 5 साल, और उसके बाद उनको रिजल्ट क्या मिलता है, 655 रैंक जिनका मार्क्स आया है उसको 25,000 रैंक, कहाँ कॉलेज मिलेगा इस बच्चे को, और उसके माँ बाप कहाँ से लाएंगे प्राइवेट के लिए पैसा। वही अगर हम बात करें 2023 की, तो 686 में 1300 रैंक थी, वही अगर हम बात करें 2024 में 686 में जो है 60,000 रैंक हो गई है, इतनी रैंक आखिर बढ़ गई है, जबकि पेपर भी इतना टफ था। वही अगर हम बात कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा स्कैम है जो NTA के द्वारा हुआ है, या फिर कोई गलती हुई है जिसकी जवाबदेही जो है उनकी बनती है, क्योंकि ये लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है और बहुत बच्चे घबराए भी हुए हैं। तो बच्चों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हमें एकजुट होने की जरूरत है और एकजुट होकर मुहिम चलाने की जरूरत है, और इस वीडियो को लगातार शेयर करके रहिए अपने दोस्तों में, और एकजुट होइए, और सारी कोचिंग संस्थान से सारे टीचर से भी आग्रह करेंगे कि एकजुट होइए और री एग्जाम इसका कंडक्ट होना चाहिए, या फिर NTA को जवाबदेही देनी चाहिए। आखिर इसकी जवाबदेही क्या होगी। जय हिंद, जय भारत।